हेलो स्टूडेंट्स। ओ यार, बहुत सारे बच्चे ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के रिगार्डिंग परेशान है कि भैया हम पेमेंट कैसे करें। तो आज मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको अपनी सीट का जो है पेमेंट कैसे करना है। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक देखा भी नहीं होगा कि भैया जब सीट अलॉट होती है तो कैसा कैसा हमको देखने को मिलता है, तो वह भी हम आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख सकते हो ये ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट यूजी वाले में हम जाएंगे, यूजी वाले के अंदर अप्लाई एडमिशन पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, फिर से हमारा पोर्टल खुल चुका है। जैसा कि देख सकते हो धीरे धीरे पोर्टल खुलते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरा ये पोर्टल खुल चुका है, मेरे को यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड पासवर्ड डालना है। तो मैं CUET के एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, तो गाइस देख सकते हो यार मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है, एंड ये किसी बच्चे का फॉर्म है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे शायद पासवर्ड गलत हो गया गाइस, यार देख सकते हो पोर्टल खुल चुका है। ठीक है, किसी बच्चे का एप्लीकेशन है, उत्कर्ष शर्मा, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके बच्चे, तो यार इसको अलॉटमेंट हुआ है इंटीग्रेटेड डिग्री केमिस्ट्री साइंस। ओके, तो अब देख सकते हो यहाँ पे यार दो डिटेल दी गई है, एक विड्रो एप्लीकेशन है, एक पे एडमिशन फीस है। तो आपको इस पे क्लिक करना है पे एडमिशन फीस पे। ओके, तो आप जैसे ही यहाँ पे एडमिशन फीस पे जाओगे, मैं थोड़ी डिटेल छुपा देता हूँ। ठीक है, डिटेल दी गई है रिगार्डिंग द एडमिशन की, इसको जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है एडमिशन के लिए। एंड यहाँ पे कुछ यार फीस की डिटेल दी गई है कि इस प्रकार से ये लोग इतनी इतनी फीस ले रहे हैं। जैसे कि एनुअल डे का चार्ज है 50 रुपये, एडमिशन फीस 700 रुपये, 750 है, कल्चरल एक्टिविटी 75 रुपीज, कंप्यूटर लैब फीस 200 रुपये, एनरोलमेंट फीस 300 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 150 रुपये, एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपये, आइडेंटिटी कार्ड 50 रुपये, इंश्योरेंस फीस 100 रुपये, लेब फीस इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप 1500 रुपये, लाइब्रेरी फीस 500 रुपये, मेडिकल चार्जेज 125, NSS 10 रुपये, रेड क्रॉस फंड 40 रुपये, स्टडी एकेडमिक 50। ये इस प्रकार से लगा लगा के आपको यहाँ पे लोग कुछ फीस ले रहे हैं। ट्यूशन फीस 2000 रुपये, गाइस यार इतनी कम फीस है। ठीक है, तो टोटल जो इसकी फीस बन जाती है वो है 8975 रुपये। अब आपको पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हमने पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर दिया, यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को पता है क्या होता है, यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है UPI। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे UPI सेलेक्ट कर दिया, अब जैसे मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूँ एंड ओके, अब जैसे मैंने पेटीएम पे क्लिक किया, कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे ये फेच करने लग गया। अब जैसे मेरे पेटीएम के अंदर नोटिफिकेशन आता है, मैंने अगर पेमेंट कर दिया तो पेटीएम से तो पैसा कट जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे वो अगर डिटेल प्राप्त नहीं होती है तो हमारा जो पेटीएम क्या करता है, वो 7 से लेकर 10 दिन के अंदर हमारा पैसा रिफंड कर देगा। लेकिन जो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये हमारा एडमिशन कैंसिल कर देगी उस चक्कर के अंदर। ठीक है, तो इस बात का सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आप 2 बार पेमेंट करिए, 3 बार पेमेंट करिए, 10 बार पेमेंट करिए, यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये साफ साफ यूनिवर्सिटी ने पहले ही कहा है, सारे के सारे बच्चे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे गाइस, राइट। तो अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हो, तिबारा पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका पेमेंट फेल होता है, आपका अगर पैसा कट जाता है, तो यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि आपका पैसा वापस रिफंड कर दिया जाता है 2 से 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर। इस बात का सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, और आपके अगर मार्क्स कम है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू।